आज़ादी मार्च के हवाले से नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को खत। अहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ के खत और आज़ादी मार्च में शिरकत पर गौर किया गया। लीग वफ जल्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। बोले मुल्क में लाकानूनियत से मईशत तबाह हो चुकी है। मियां शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। अंदरूनी गुफ्तगू लीक होने का खदशा। सदर नून लीग की खसूसी हिदायत पर शुरका के मोबाइल फोन बाहर रखवा लिए गए। मौलाना फजल रहमान का सदर नून लीग शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम ने नवाज शरीफ की जानिब से मार्च की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुश्तरका हिकमत अमली से आज़ादी मार्च को पाया तकमील तक पहुँचाने से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। कैफे रिटायर्ड सदर से जमीयत उलमा इस्लाम के वक्त की मुलाकात। निजी रहनुमा से आज़ादी मार्च पर तबादला ख्याल। कैफे रिटायर्ड सदर की रता दरबार आमद। इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान की जिदोजहद के लिए कामयाबी की दुआ। अदालत पेशी पर बोले आज़ादी मार्च के सबब झूठे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। वोट को इज्जत दो का नजरिया चलेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 50,000 के इवज जमानत मंजूर। मुल्क के मुफाद में मुजाकरात के लिए तैयार हैं। एहतजाज जाती मुफाद के लिए हो तो कोई बात नहीं हो सकती। मशीर इतलाफ फिरदौस आशिकवान कहती है जेल वाले मौलाना फजल रहमान को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मार्च वालों को चैलेंज। ऐवाने इकबाल में तकरीब से खिताब में उस्मान बुज़दार बोले आज कल मार्च का बहुत चर्चा है। मार्च करना है तो मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए करो। मैं खुद शिरकत करूंगा। पहले मरियम नवाज और अब हुसैन नवाज पार्टी को मरवाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं एक भाई दाएं और दूसरा भाई बाएं जानिब है। मौलाना फजल रहमान के आगे कुआं और पीछे खाई है। बोले 15 से 30 जनवरी तक इमरान खान छा जाएगा। सेक्रेटरी औकाफ जुल्फकार अहमद घुमन कमिश्नर गुजरांवाला तैनात। उमर शेख चटा को डेप्टी कमिश्नर सियालकोट तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अली डेप्टी कमिश्नर फैसलाबाद। डॉक्टर एहतशाम अनवर डीसी साहिवाल तैनात। डीजी ने शहजाद सलीम कारकर्दगी में नंबर 1। रिकवरी का 17 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अक्टूबर 2016 से ताहाल 106 अरब रुपए वसूल कर लिए। 2 सालों में 40 केसेस निपटाए। 14 रेफरेंसेस दायर किए। इंसदादी कोशिशें नाकाम। डेंगू का डंग असर दिखा गया। न्यू अस्पताल में दाखिल वायरस में मुब्तला 42 साल शख्स मर्ज की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। मुख्तलिफ अस्पतालों में मजीद 14 नए डेंगू मरीज रिपोर्ट। मुब्तला लाहौरियों की मजमू तादाद 296 हो गयी। टीचिंग अस्पतालों की निष्कारी के खिलाफ तीसरे रोज भी हड़ताल। सरकारी ओपीडीज और लेबोरेटरीज में काम बंद। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ड्यूटी से गायब। वजीर सेहत का ओपीडीज में मामूल के मुताबिक सरगर्मियों का दावा। बोली एमएस हजरात निगरानी कर रहे हैं। शाहकाम चौक फ्लाईओवर और डिफेंस रोड मुल्तान रोड की तौसी। मंसूबे की मंजूरी के लिए समय सूबाई काबीना को इरसाल। दोनों मंसूबों पर 3 अरब 61 करोड़ की लागत का तखमीना। दाखिली खारजी रास्तों की निगरानी के लिए ई चेक पोस्ट का मंसूबा। आईकैट साइडेज लाइन मार्किंग और स्पीड हम्प नष्ट करने से ट्रैफिक बहाव में बेहतरी का इम्कान। सेफ सिटी अथॉरिटी ने ठोकर न्यासगेट शेराकोट और पुराना रावी पुल पर काम मुकम्मल कर लिया। वजीर आजम सिटीजन पोर्टल पर गैर मजाज अहलकारों की जानिब से बगैर हल किए शिकायत निपटाने का इंकशाफ। वजीर आजम ने शिकायत का हल मजाज अफसरान के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया। पीएम ऑफिस से तमाम विफाकी और सूबाई इदारों को खत इरसाल। तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें तहलील कर दी गयी। मुल्क भर में रेंजर्स की तश्कील का भी ऐलान कर दिया गया। कोर कमेटी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल घंटों ताखीर का शिकार। उधर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई ट्रैफिक भी मुतासर। आने और जाने वाली 10 परवाजें मंसूख। 3 ताखीर का शिकार हुए। हाईकोर्ट में जजेस की 15 असामियां खाली। तैनाती तरक्कियां और तबादले इल्तवा का शिकार। जिले इल्तवा मुकदमा की तादाद बढ़ने लगी। समातों में ताखीर से साइलिन और वकला परेशान। खाली असामियों पर तैनाती के लिए ताहाल मुशावरत मुकम्मल न हो सकी।
PFF की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन की जानिब से फीफा के मुकर्रर करदा नॉर्मलाइजेशन कमेटी के इकदाम मुस्तरद। मुजाहिरीन का फीफा से इंसाफ का मुतालिबा। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे में फुटबॉलर्स, रेफरीज और कोचेज की शिरकत। डॉल्फिन फोर्स की बड़ी कार्रवाई। मुल्तान रोड पर पेट्रोलिंग के दौरान मशकूक गाड़ी की तलाशी पर 2.5 मंथ चर्स और अफीम बरामद। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम गिरफ्तार, साथी फरार होने में कामयाब। लाहौरी होशियार, बढ़ते जुराइम की वारदातों में ख्वाजा सिराओं का हिस्सा बढ़ गया। सादा लो अफराद को बरगला कर लूटने वाले ख्वाजा सिराओं के मुताबिक ग्रोह मुतहरिक। जमा पूंजी से महरूम होने वाले शहरी थाने जाने से भी कतराने लगे। सलाम टीचर डे से मुतल्लिक खुसूसी तकरीब में ऐलानात की भरमार। वज़ीर आला का लाहौर के लिए 10 मोबाइल स्कूलों, 10 अज़ला में 100 मॉडल स्कूल्स और 1000 साइंस लेबॉरेटरी से क़याम का ऐलान। बेहतरीन कारकर्दगी पर असातिज़ा में तारीफी इस्नाद तकसीम की गई। चौधरी परवेज इलाही से ग्रैंड हेल्थ अलायंस के वफ़ की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली की ग्रैंड हेल्थ अलायंस को मसाइल के हल की यकीन दहानी। वफ़ का सीनियर सियासतदान की वज़ायत आला में तारीखी तरक्याती कामों पर इजहार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी लाहौर का मॉल रोड पर एहतजाजी कैंप। पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा बोले, आसिफ जरदारी कोई क्रिमिनल नहीं, जमीर के कैदी हैं, हमेशा विफाक को तरजीह दी है। शरीफ फैमिली के मुकदमात उनके शहर में और हमारे केसेस दूर दराज मुंतकिल कर दिए जाते हैं। जाली महंगाई के खात्मे के लिए वजीर इत्तला'आत असलम इकबाल मुतहरिक। जिले सतह पर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की तैयारियां। गैर फाल प्राइस कमेटियों को फाल करने का ऐलान। डीसी ऑफिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शोभदाबाजी नहीं, काम करके दिखाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में दी प्राइड ऑफ पाकिस्तान सेमिनार। वजीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहती हैं, मेडिकल साइंसेज में जदीद स्टडी अशद जरूरत है। हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक मुल्क में तब्दीली ला रही है। ऑल पाकिस्तान वुकला नुमाइंदा कन्वेंशन। वुकला नुमाइंदा कन्वेंशन का फौरी तौर पर सियासी एहतसाब खत्म करने का मुतालिबा। शफाफ एहतसाब के लिए वुकला की मुशावरत से नैब की असरेनो तश्कील का मुतालिबा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार समेत दीगर वुकला रहनुमाओं का एलामिया जारी। कहा, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तौसी अदिया के साथ मजाक है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजेस का 3 रोजा तरबियती कोर्स मुकम्मल। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहते हैं, अच्छी शोहरत ना रखने वाले जजेस के लिए कोई जगह नहीं। काम ना करवाने वाले जजेस अपने खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर ना करें। जजेस को जेरे समात मुकदमा का फैसला जल्द अज जल्द करने की हिदायत। पीटीआई सूबाई सेक्रेटेरिएट में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब। सदर पीटीआई पंजाब एजाज चौधरी की खसूसी शिरकत। फनकारों की खसूसी कश्मीर कमेटी तश्कील दे दी गई। तकरीब में नायब चेयरमैन सीएम शिकायत सेल नासिर सलमान, गुलुकारा हुमैरा अरशद, शेर मियादाद, मलकू तारिक टाकू, नेका समेत दीगर की शिरकत। ग्रीन टाउन की सीवेज लाइन तब्दीली की 2 स्कीमें मंजूर। कमिश्नर लाहौर की जेर सदारत डिविजनल तरक्याती वर्किंग कमेटी का इजलास। लॉरेंस रोड बारिशी पानी के इनखिला के लिए टैंक और ड्रेन की स्कीम की मशरूत मंजूरी। गवर्नमेंट डिग्री खातीन कॉलेज गुलबर्ग, वाबला टाउन लाहौर की 2 नई स्कीमें रिवाइज करने की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर का गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा और यूसी स्टार का दौरा। असगर अली जोया ने डेंगी वार्ड में मरीजों से मुलाकात की और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। यूसी चार में डेंगी के हवाले से इनडोर सर्वेलेंस का जायजा लिया गया और डेंगी आगाही पर फिर सक्सीन किए गए। एसएसपी ऑपरेशंस इस्माइल खाड़क का बतौर डीपीओ ननकाना तबादला। डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से इस्माइल खाड़क के एजाज में अलविदाई तकरीब। इशफाक खान ने इस्माइल खाड़क को एजाजी शील्ड पेश की। उधर फैसल शहजाद को एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस की हाफिज ताहिर अशरफी की रिहाइश का आमद। इशफाक खान ने ताहिर अशरफी की वालिदा के इंतकाल पर ताजियत और फातह खानी की। बॉलिंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम बकार यूनस की सेफ सिटी अथॉरिटी आमद। सीओओ अकबर नासिर खान की इदारे बारे ब्रीफिंग। बकार यूनस का पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान से खिताब। कहते हैं, क्रिकेट की बहाली और सिक्योरिटी में सेफ सिटी का कलीदी किरदार है।
लेजेंड क्रिकेटर को एजाजी शील्ड और स्पेशल कैप भी पेश की गई। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के रूहानी पेशवा पीर सैयद हुसैन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीर, सीनियर लीगी रहनुमा कैसर अमीन बट की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, उलमाए कराम ने अहले बैत और उतहार के फजाइल बयान किए, मुल्की सलामती और आज़ादी कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ की गई। 33वीं नेशनल गेम्स की मिशल रेलवे हेडक्वार्टर पहुंच गई। मिशल रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड की हवालगी के हवाले से शानदार तकरीब, वजीर रेलवे शेख रशीद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, मशल बजरिया ट्रेन रावलपिंडी रवाना की जाएगी। एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में नेशनल रेस्क्यू चैलेंज का इख्तिताम, डीजे रिजवान नसीर का बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीम को खिराज तहसीन, रेस्क्यू चैलेंज को इदारों की सलाहियतें निखारने के लिए बेहतरीन करार दे दिया। अली इंस्टीट्यूट और ख्वारज्मी साइंस सोसाइटी के जेर एहतमाम दो रोजा साइंस मेला 70 स्कूलों के तलबा के हजारों मॉडल्स नुमाइश के लिए पेश, मेहमान खुसूसी वजीर तालीम मुराद रास ने होनहार तलबा की काविशों को खूब सराहा। और 24वीं नेशनल एज ग्रुप चैंपियनशिप का दूसरा रोज 100, 200 और 400 मीटर मुकाबलों का एहतमाम, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में दानियाल गुलाम नबी ने नया रिकॉर्ड कायम कर लिया।